Assalamu alaikum. I'm back again with yet another lecture on e-marketing. I hope you're doing well. Alhamdulillah, main bhi bilkul theek hoon aur excited hoon about this lecture. Last lecture mein humne e-marketing environment ke hawale se baat ki thi, legal aur ethical issues ke baare mein. I hope you have had a look at the framework that we have in place in our country regarding the legal aspects of digital world. कोशिश कीजिएगा कि उनको जहन में रखें, उन बातों को जहन में रखें एज ई मार्केटर्स इन फ्यूचर. ट्राई टू बी अ वेरी गुड एथिकल मार्केटर और अपने पास जो भी आप अपना काम प्लान करें अकॉर्डिंग टू दोज गाइडलाइंस जो कि हमें मिली हुई इन द फॉर्म ऑफ लॉ और जो हमारे एथिक्स को के हिसाब से फॉलो होती हैं उनको ही जहन में रखिएगा. आज हम बात करेंगे ई मार्केटिंग रिसर्च की. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स: आइडेंटिफाई सम मेन सोर्सेज ऑफ डेटा दैट ई मार्केटर्स यूज टू एड्रेस रिसर्च प्रॉब्लम्स. अब हम मार्केटिंग रिसर्च की भी बात करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केटिंग रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं या जो मार्केटिंग रिसर्च में हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो ई मार्केटिंग रिसर्च के लिए भी फॉलो किए जाएंगे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस टुडे अपने किसी और मार्केटिंग के कोर्स में एज अ टॉपिक पढ़ी भी होंगी और मे बी यू हैव सम ऑफ यू हैव माइट हैव टेकन अ कोर्स ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च ऑन इट्स ओन. सो कुछ चीज़ें हमारी एज अ रिफ्रेशर या एज रिविजन हम इस टॉपिक में फॉलो करेंगे और कुछ नई चीज़ें कुछ नए तरीके जिन तरीकों से हम लोग रिसर्च के लिए मार्केटिंग रिसर्च के लिए डेटा गैदर कर सकते हैं कुछ उसमें से इनसाइट्स निकाल सकते हैं जो कि एज मार्केटर्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं हम उनको भी आज देखेंगे. We will discuss how and why e-marketers need to check the quality of research data. हम इंटरनेट के यूसेज के बारे में बात करेंगे एज अ कॉन्टैक्ट मेथड फॉर प्राइमरी रिसर्च. हम इसके अलावा मुख्तलिफ तरीकों से जो वेब ट्रैफिक है जो वेब एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है उनके बारे में जिक्र करेंगे. कुछ का जिक्र हमने पहले भी किया था. देन क्लाइंट एंड सर्वर साइड रियल अप्रोचेस का जिक्र करेंगे और हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस का जिक्र करेंगे. आइए एक एग्जांपल देखते हैं. नेस्ले इज अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन. नेस्ले पुरीना पेट केयर एक उन्होंने कंपनी को एक्वायर किया था जो कि पेट केयर प्रोडक्ट्स बनाती थी नेस्ले ने बैक इन 2001 और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की थी आइडेंटिफाई करने की उन तरीकों से जिनसे वो उन कंज्यूमर्स का अंदाज़ा करें जो ये पेट केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते थे. दे हैड अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स जिनको उन्होंने यूज़ किया टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यूजर्स और उन वेबसाइट्स की फिर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया और दे डेवलप थ्री रिसर्च क्वेश्चंस इनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ई मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट किया. सो जो वो तीन क्वेश्चंस हैं दे वर आर आवर बायर्स यूजिंग आवर ब्रांडेड वेबसाइट्स. शुड वी इन्वेस्ट इन अदर वेबसाइट्स. इफ सो वेयर शुड वी प्लेस द एडवर्टाइजिंग. दीज वर द थ्री क्वेश्चंस that Nestle Purina developed because at that time they were running around 30 websites jo ki mukhtalif brands ko aur brands ke products ko mukhtalif products ke bare mein sites banayi hui thi wo logon tak information pahuncha rahe the. so इन तीन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उन्होंने फिर कंबाइन किया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग पैनल डेटा. कुछ पैनल्स बनाए उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप्स के. 5000 कस्टमर्स थे टोटल जो के दोनों पैनल्स को बिलोंग करते थे. कुछ ऑफलाइन पैनल्स में से थे कुछ ऑनलाइन में से थे और उन्होंने फिर उसके तीन एक्सपेरिमेंटल सेल्स बना दिए थे जिनको जिनमें से जो है दो सेल्स को जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स के फर्दर सेल्स उन्होंने डिवाइड कर दिए कस्टमर्स को 5000 को और उसमें से दो सेल्स को फिर उन्होंने पुरीना वन का जो एड है वो बैनर एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में दिखाया जो कि वो सेल मेंबर्स जो इंटरनेट सर्व कर रहे थे उन सेल मेंबर्स के पास उस एड का इम्प्रेशन जाता था या इमेज जाता था. और एक और सेल उन्होंने ऐसा बनाया जिसको बिल्कुल कोई एक्सपोजर इन एड्स का नहीं दिया गया लो एक्सपोजर टेस्ट सेल जिसके
जिसको कहा गया, और दूसरे जो है वो हाई एक्सपोजर टेस्ट सेल्स बनाए गए हुए। और रैंडमली जो है उन्होंने बैनराइट्स को इन टेस्ट सेल्स के मेंबर्स को पहुंचाया, और फिर उसके बाद असेस किया ब्रांड अवेयरनेस ऑफ प्यूरीना, प्यूरीना जो के नया ब्रांड इन्होंने एक्वायर कर लिया था, उसका परचेज इंटेंट और उसकी एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस, इसको उन्होंने असेस करने की कोशिश की। और नेस्ले के जो मार्केटर्स थे दे वर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टडीज फाइंडिंग्स। उन्होंने क्या कहा कि जी जो पहले जो है बैनर का क्लिक थ्रू रेट वो जो है बहुत लो था, 0.06%। देन when study participants were asked when thinking of pet food what brand first comes to mind, 31% of both exposure cells subjects mentioned Purina. So 31% जो है उन लोगों ने mention किया कि वो Purina के brand को जानते थे. The high exposure group mentioned Purina more than the low exposure group. So it shows के जब उन्होंने advertise किया through the internet, through the website, तो जो उनका high exposure group है उसने उसको एक्सेप्ट किया और उससे उनकी अवेयरनेस रेज हुई, और उसकी वजह से दे न्यू मोर अबाउट प्यूरीना ब्रांड। होम एंड हेल्थ एंड लिविंग साइट्स रिसीव्ड द मोस्ट विजिट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन मार्केटिंग। सो इस तरह के जो एड्स हैं, जो कि बैनर एड्स हैं या ऑनलाइन एड्स देते जा रहे हैं, इस तरह के एड्स पर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। व्हिच वेबसाइट्स डू यू थिंक एक्सेप्ट दिस नेस्ले और प्यूरीना और about.com वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर देयर एड्स? हैव अ लुक, फाइंड आउट आप किस तरह की साइट्स को समझते हैं कि वहां पर अगर एड्स डिस्प्ले होते हैं बैनर एड्स की फॉर्म में या डिस्प्ले एड्स की फॉर्म में, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। बट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस डेटा जो उतना वो कलेक्ट कर रही हैं, सिंस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग अपडेटेड एवरी नाउ एंड देन, दे हैव एक्सेस टू कस्टमर्स प्रोफाइल्स, बहुत सारे कस्टमर्स के टच पॉइंट्स हैं जिनके बारे में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है डेटा। बट इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज अवेलेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केटर्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन को डिग आउट करें, कौन से डेटा को यूटिलाइज करें जो कि उनको क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज अ रियलिटी फॉर कंज्यूमर्स एंड मार्केटर्स अलाइक। कंज्यूमर्स के एंड से भी देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव बीन रिसीविंग एंड दे डू नॉट रियली फील हैप्पी एट ऑल टाइम्स कि उनको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिसमें से फिर उनके लिए डिसीजन मेकिंग कई दफा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से मार्केटर्स के लिए चैलेंज बन जाता है कि वो कंज्यूमर्स को जब टारगेट कर रहे हैं किन ऐसे तरीकों से टारगेट करें कि कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो आपके हैं वो नाखुश ना हों। सो इसके लिए फिर ई मार्केटर्स को डिटर्मिन करना पड़ता है कि कैसे वो इनसाइट्स निकालें बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा। एंड एज यू माइट नो कि अब हार्ड डिस्क स्पेसेस जो हमारे पास एक कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर में है वो भी इतनी ज्यादा अवेलेबल है एट नॉट टू मच ऑफ अ कॉस्ट, एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कंपनीज के लिए लार्ज साइजेस ऑफ डिस्क स्पेस इज अवेलेबल, तो ऑब्वियसली दे आर स्टोरिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन देयर इज वेल। सो उस इन्फॉर्मेशन उस डेटा में से कैसे इनसाइट्स निकालनी है कंपनीज ने, मार्केटर्स ने, ये उनके लिए एक चैलेंज है और उनको ये डिटर्मिन करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल कस्टमर है और वो गूगल की साइट विजिट करता है या ट्विटर की साइट विजिट करता है या फेसबुक की साइट विजिट करता है और एक मैसेज जो है वो कन्वे करता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, इंटरेस्ट शो करता है बाय सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट, या फिर कंपनी किसी कस्टमर्स को ईमेल कर रही है या इनबॉक्स पे मैसेजेस भेज रही है कि और एड डिस्प्ले कर रही है कि जी क्लिक हियर टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट यू परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट। सो वो क्या करती है, अगर कोई कस्टमर जो है वो
इफ ही और शी क्लिक्स ऑन दैट प्रॉम्प्ट और अपना ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा जो है वो कंपनी अपने पास स्टोर कर रही होती है. फिर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स कस्टमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इफ दे हैव मेड अ परचेज और नॉट, या वो उस वेबसाइट पे गए हैं तो उन्होंने कौन से प्रोडक्ट सर्च किए हैं और कहाँ इंटरेस्ट शो किया है, किस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर, और अगर ऑर्डर प्लेस कर लिया है तो फिर उसकी फर्दर डेमोग्राफिक डिटेल्स, उनके बारे में एड्रेसेस, वो सब चीज़ें स्टोर होती चली जा रही होती हैं. सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रो कर रही है आपकी डेटाबेसिस के अंदर जो आपकी कंपनीज ने मेंटेन की है. अगर कंपनी को कॉल बैक किया जा रहा है बाय अ कस्टमर, तो उस कॉल की डिटेल्स भी स्टोर कर ली जाती हैं, उसके रिस्पॉन्स की डिटेल्स भी स्टोर कर ली जाती हैं. आई मीन देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा दैट इज बींग गैदर्ड. फिर दिस इज जस्ट अबाउट वन कस्टमर, थिंक अबाउट मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जिनके साथ इस किस्म का काम किया जा रहा है या किया जा सकता है. सो देर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड, देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट इज वेल, और उसको एक्सप्लॉइट करना, उसमें से बेनिफिट निकाला हम ई मार्केटर्स का काम है. फॉर एग्जाम्पल पुरीना की जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी, नेस्ले का ब्रांड है, थ्रू हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीसेज ऑफ डेटा अबाउट 21.5 मिलियन कंज्यूमर्स टू मेक डिसीजंस. सो पुरीना ने इतने ज्यादा कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई हैं. सो व्हाट बेसिकली हैपन्स इज योर डेटा विदाउट इनसाइट और एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आर वर्थलेस. You need to make use of data. Your data drives the strategy. For example, अभी जो हमने प्यूरिना की discussion की, as you can see, एक pyramid form होती है. You have a lot of data at the base of the pyramid. उस data में से फिर कुछ information gather की जाती है. For example, there is a lot of data at the base of the pyramid जो कि दिखाया गया है. कस्टमर एक है और उसने एक प्रोडक्ट परचेज किया है ऑन मार्च 1 फ्रॉम दिस बिलोंगिंग टू दिस ब्रांड. उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज के ऊपर जब वो इन्फॉर्मेशन बन रही है, एज यू कैन सी देयर 36% जो है वो ओनर्स ऑफ पेट्स जो कि इस एड को देखते हैं वो इस ब्रांड को बाय कर लेते हैं. सो दैट मीन्स कि उन्होंने अपना जो प्रीवियस डेटा है, जो स्टोर डेटा है, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली है. इसके अलावा फिर इस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर दे आर टेकिंग नॉलेज आउट ऑफ, और दे आर मेकिंग और क्रिएटिंग न्यू नॉलेज मे बी, जो कि ऑनलाइन एड अगर कोई ले रहा है. सो what company thinks is ke whoever sees online ads are likely to buy the product and they are likely to visit the two sites that they have targeted the customers through. So iski wajah se unhone kya kiya, unhone ek decision le liya ke ji let's put banner ads on about.com. so ek pura ek प्रोसीजर चला है, एक स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया कि हाउ डेटा इज बीइंग कन्वर्टेड टू इन्फॉर्मेशन. डेटा इज एज यू ऑल नो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि नीचे बेस के ऊपर दिखाया भी हुआ है, जस्ट डिटेल्स ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ कस्टमर्स या रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स. उसमें से फिर वो थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस अप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन कि 36% ऑफ द कस्टमर्स हु बॉट फ्रॉम अस हैड सीन डिफरेंट एड्स, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर फिर वो अपने लिए नई नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं कि जी दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, और नॉलेज के बेस के ऊपर फिर दे कैन मेक अ डिसीजन, जो कि इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है. नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द क्रिएशन, यूज एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, एंड व्हेन वी अप्लाई दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग देन इट बिकम्स मार्केटिंग नॉलेज मैनेजमेंट. हमारे पास जो डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल है वो हम अपने इंटरनल डिसीजन मेकर्स, पार्टनर्स और चैनल मेंबर्स के साथ और कई दफ़ा कस्टमर्स के बाद भी शेयर करते हैं. तो ये हमारा एक पूरा नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और हमारी जो मार्केटिंग की नॉलेज डेटाबेस है वो हमारे कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट्स और कंपेटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रख रही होती है. मार्केटिंग नॉलेज बेसिकली इज द डिजिटाइज्ड ग्रुप माइंड ऑफ आवर
marketing personnel, a collective memory of our marketing people, group mind ya collective memory kaha jata hai marketing knowledge ko kisi bhi organization ki. For example, aapke paas ek international technology firm hai, for example, and it uses an organization called salesforce.com to manage the sales pipeline of this organization. कोई भी किसी वेबसाइट से एक वाइट पेपर डाउनलोड करता है फॉर एग्जांपल, और वो रजिस्टर करता है उस कंपनी के साथ salesforce.com के ऊपर. सिर्फ salesforce.com का सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेता है, और मैनेजर्स के लिए फिर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है टू व्यू, एंड फिर मैनेजर्स जो है उस इंफॉर्मेशन को पिक कर सकते हैं टू मेक फॉलो अप कॉल्स एंड ईमेल्स एंड टेक इट एज अ सेल्स लीड. इसी तरह से हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज की भी एग्जांपल्स हैं. व्हाट दे डू इज दे अलाउ द एजेंट्स, जो उनके इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, के वो डिफरेंट क्लेम्स का जो डेटा है अवेलेबल उसमें ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, उसको वो व्यू करते रहें और उसमें से अवॉइड कर सके हाई रिस्क कस्टमर्स को और लो रिस्क कस्टमर्स को, और जो है वो उस क्लेम डेटा को कंपेयर कर सकें. इसी तरह से आईगो, अ कैटलॉग मार्केटर जो है वो इसी तरह से ऑनलाइन रिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी स्टोर कर रहा है, और कस्टमर सर्विस कॉल्स और वेब परचेजेस और ईमेल इंक्वायरीज इन सब को एड्रेस कर रहा है, ताकि एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन उनके कस्टमर्स के बारे में मौजूद हो. इसी तरह से कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी मेंटेन कर रही होती हैं. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मार्केटर्स मैनेज नॉलेज. लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपने पास डेटा स्टोर कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस. आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट अ डेटाबेस इज. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जिसपे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म्स में मुख्तलिफ टेबल्स की फॉर्म में इंटरकनेक्टेड टेबल्स होते हैं, फॉर्म में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि बाद में इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए, डिग डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है. इसी तरह से डेटा वेयर हाउसेज मेंटेन किए जाते हैं. डेटा वेयर हाउसेज बिग सेट ऑफ डेटा अवेलेबल फॉर द कंपनी, मुख्तलिफ टच पॉइंट्स, मुख्तलिफ सोर्सेज से जिस तरह भी इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो सब एक जगह स्टोर की जाती है, जिसको डेटा वेयर हाउस कहा जाता है. मुख्तलिफ डेटाबेसिस भी उसका पार्ट बन सकती हैं. सो आपका जो MIS है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां पर इस सारे को इकट्ठा करके और मैनेज किया जाता है टू क्रिएट और फाइंड आउट नॉलेज. अब ऑब्वियसली हमारे पास इन सब डेटाबेसेस में, डेटा वेयर हाउसेज में जो नॉलेज या डेटा कलेक्ट हो रहा है वो मुख्तलिफ तरीकों से हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो रहा है, और उसमें एक इंटरनेट का भी बहुत ज्यादा रोल है इन डेटा कलेक्शन, फैसिलिटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन में इंटरनेट और सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें हेल्प कर रही होती हैं. इसके अलावा फिर हम मुख्तलिफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट आवर कंपेटिटर्स, आवर कंज्यूमर्स, द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट. एंड मार्केटर्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं इसी तरह से इंटरनेट को समटाइम्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा एज वेल. एंड आई एम श्योर वी नो व्हाट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इज. प्राइमरी डेटा जो आपका फर्स्ट हैंड डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं वो है, और सेकेंडरी डेटा वो है जो कि आप दूसरे किसी सोर्स ने कोई चीज लिखी हुई है जो आपके लिए इन द फॉर्म ऑफ डेटा हेल्प कर सकती है, या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, वो आपका सेकेंडरी डेटा सोर्स बन सकता है. हमारे पास इंटरनेट और ई मार्केटिंग के हवाले से जो डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं मोस्ट कॉमन, विच दे इंक्लूड 96% सर्विस, सिंडिकेटेड रिसर्च इज 81%, फोकस ग्रुप्स 80%, कंपनी सेल्स डेटा इज 66%, एंड स्कैनर डेटा इज 26, अदर डेटा टाइप्स आर 21% यूजिंग. ये आपके मोस्ट कॉमनली डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं. कुछ ऐसी ई मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स टिपिकल कौन सी हैं जो हमारे पास हम एड्रेस एज मार्केटर्स कर रहे हैं? नंबर वन इज आपके जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं वो अपनी ऑनलाइन मर्चेंडाइजिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस डेटा को यूज कर सकते हैं, आपकी ई मार्केटिंग रिसर्च को यूटिलाइज कर सकते हैं. अ वेरी गुड
वे इज़ टू फोरकास्ट प्रोडक्ट डिमांड, जो कि ई मार्केटिंग रिसर्च से की जा सकती है. यू कैन ऑल्सो टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स, ई मार्केटिंग रिसर्च का वो हिस्सा बन सकता है टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्राइस पॉइंट्स, टेस्टिंग ऑफ को ब्रांडिंग इन पार्टनरशिप इफेक्टिवनेस, अफिलियट प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस, दैट कैन बी ऑल डन थ्रू ई मार्केटिंग रिसर्च. और कौन से ऐसे रिसर्च क्वेश्चन हैं या रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो ई मार्केटिंग एड्रेस कर सकते हैं? दे इंक्लूड फाइंडिंग आउट अबाउट कस्टमर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, न्यू मार्केट सेगमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आपके रन कर सकते हैं अमंग द रजिस्टर्ड यूजर्स व्हिच अमेजॉन एंड ईबे इज यूजिंग. ईबे एट टाइम्स व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स बाइंग फ्रॉम दैट ऑक्शन वेबसाइट, दे वुड सेंड ईमेल्स टू द कस्टमर्स, उसमें वो कहते हैं कि जी नेक्स्ट परचेज आप जो करेंगे उसमें से 25% हम पे करेंगे आपके बिहाफ के ऊपर, या हम आपको डिस्काउंट दे रहे होंगे. सो लॉयल्टी इंक्रीज करने के तरीके भी बनाए जा सकते हैं, लॉयल्टी मेजर करने का काम भी किया जा सकता है थ्रू ई मार्केटिंग रिसर्च. टेस्ट साइज कस्टमाइजेशन टेक्निक्स, उसके अलावा वेब एंड सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा तौर पे व्यू कर रहे हैं. उसके अलावा कस्टमर की इंगेजमेंट कैसे इंक्रीज हो रही है या की जा सकती है, या पास्ट ट्रेंड क्या कह रहा है, यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. देन सम अदर प्रॉब्लम्स इंक्लूड द नंबर ऑफ कमेंट्स पीपल हैव पोस्टेड टू अ ब्लॉग, अगेन कैन हेल्प इन ई मार्केटिंग रिसर्च. Path users take to reach a website or a web page or a landing page, that can be a research problem that could be addressed. Overall satisfaction efficiency jo hai sites ki, that could be another good e-marketing research problem as e-marketer. Phir social media conversation sentiments jo hai uske upar aapke paas e-marketing research ki ja sakti hai. On top of that, then there are certain other e-marketing research problems that can be addressed. They are related to social networks application, testing of new promotions, number of white papers that people download from different websites, display ads ka click-through rate. So these are the things that e-marketing research can kind of help you out with. And I'm sure you might have seen a lot of ads on different websites and different pages that you view, but start thinking of those ads from the point of view of a marketer. आप अगर उन एड्स को डिस्प्ले खुद कराना चाह रहे होते तो किस तरह की ई मार्केटिंग रिसर्च आप करते, that needs to be looked into, ताकि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है? एक तो ऑब्वियसली इंटरनल रिकॉर्ड्स, कंपनीज अपना डेटा कलेक्ट कर रही हैं, पास सेल्स का रिकॉर्ड उनके पास है, कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट्स का है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं पास सेल्स या पास पेमेंट्स के, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से लिए जा सकते हैं. प्रोडक्ट्स कितने बने, उनमें क्या चेंजेस आए, कस्टमाइजेशन ये वो, और आप सारा कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, मार्केटिंग से ले सकते हैं, रिसर्च से ले सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन दैट इज नीडेड. इंटरनल रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास बहुत सारा इनसाइट मौजूद है जो कि डिग डाउन की जा सकती है, सेल्स डेटा की फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर्स की फॉर्म में, यूजर्स की मूवमेंट्स के फॉर्म में. ऑफलाइन मीडिया के अंदर जब लोग स्टोर्स विजिट कर रहे होते हैं तो मार्केटर्स जाके एनालाइज करते हैं कि जी कस्टमर्स कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, किस कौन से प्रोडक्ट्स तक पहले जाना चाहते हैं. अगर आपके ऑफलाइन मीडिया में कोई कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन को देख के कस्टमर्स आपके स्टोर में आ रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मांगना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. सो इसी किस्म का सिमिलर काम जो है वो आपके पास ऑनलाइन मीडिया के अंदर भी किया जा सकता है. सेल्स डेटा हमारे पास आ सकता है मुख्तलिफ अकाउंटिंग सिस्टम्स के रिकॉर्ड से, वेबसाइट्स के मुख्तलिफ लॉग्स में से, और जो कस्टमर्स का परचेज बिहेवियर है ऑनलाइन उसमें से. इसके अलावा जो कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो बिहेवियरल डेटा है कस्टमर्स के बारे में, वो उनके इंडिविजुअल एक्टिविटी के प्रोफाइल जो मेंटेन किए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर एक है और उसने 10 नए कंप्यूटर परचेज किए और सेल्स रेप को कॉन्टेक्ट किया,
कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल डेटा जो है वो आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनल मार्केटिंग डेटा कलेक्शन हुए है. आपके कंपनीज जो है वो कस्टमर्स से ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं और टेलीफोन से भी कलेक्ट करते हैं टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स और टू इंक्रीज देयर सेल्स या प्रमोशन ऑफर्स उनको भेजने के लिए और मुख्तलिफ तरीकों से कस्टमर्स की लिस्ट कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स की और कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट बनाई जाती हैं और फिर उनको अप्रोच किया जाता है. लेट्स से कि कस्टमर ने ऑर्डर किया है और वो 10 नए कंप्यूटर्स परचेस करने चाहता है एक रिटेलर के से और उस रिटेलर को फिर वो कांटेक्ट करता है और वहां से उनके सेल्स रेप्स से उनसे बात होती है या फिर वो ऑनलाइन आकर उनकी वेबसाइट के ऊपर सर्च करता है अपने इंटरेस्ट एरियाज को और मे भी वहां पे उनका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कांटेक्ट है उसके थ्रू उनको कांटेक्ट किया जाता है. ये इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स की डेटाबेस में रिकॉर्ड कर दी जाती है. कस्टमर सर्विस रेप्स जो हैं वो उसके बाद फिर कस्टमर की डेटा बेस में से इंफॉर्मेशन निकाल कर उन कस्टमर्स को कॉल करते हैं या उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करते हैं वाया ईमेल और फिर उनका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है और ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ डेटा बेस में स्टोर होती चली जा रही होती हैं. डेटाबेस ट्रेंड जो है फिर वो इस इन कस्टमर्स के पास आज जो इंटरेक्शन हुआ है सेल्स रेप्स का वो इंफॉर्मेशन दे सकती है और फिर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इस इंटरेक्शन की बेस के ऊपर. फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कस्टमर्स ने एक प्रोडक्ट के अंदर फ्लॉ बताया अबाउट अ सर्टन डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट और वो जब ज्यादा कस्टमर्स बताते रहे और वो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते रहे तो उस इन्फॉर्मेशन से बाद में आपके मार्केटर्स इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और फिर आगे रिफर कर सकते हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और द रिसर्च डिपार्टमेंट और फिर वो इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट के अंदर आ सकती है. इसी तरह से कई वेबसाइट्स कस्टमर्स से उनका जिप कोड या पोस्टल कोड या उनकी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं जब कस्टमर्स ब्राउज कर रहे होते हैं या फिर उनके अपने पास ऐसे तरीकेकार है जिसमें वो आईपी एड्रेसेस के लॉग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किन किन एरियाज से लोग आपकी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं और मे बी दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू ओपन अ न्यू रिटेल ऑफलाइन स्टोर और टू ओपन और स्टार्ट न्यू वेबसाइट्स टारगेटेड टू दोज एरियाज उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है. इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं और उन वेबसाइट्स को वो यूज करती हैं टू ट्रैक यूजर मूवमेंट्स थ्रू द पेजेस कि किस पेज से किस पेज पे कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं और फिर लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर और किन पेजेस के ऊपर किन प्रोडक्ट्स के पेजेस के ऊपर वेबसाइट के ऊपर टाइम ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है और वेब डिवेलपर्स जो हैं वो फिर इन पेजेस को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो ऑनलाइन कैटलॉग्स हैं उनको रीडिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस एंड द चॉइसेस ऑफ दोज कस्टमर्स. सो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास इंटरनल रिकॉर्ड्स की फॉर्म में मौजूद है और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी है जो आपको या इंटरनल रिकॉर्ड्स को एनालाइज या मॉनिटर करने के अंदर आपको ज्यादा हेल्प कर पाती है जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है या एनालिटिक्स बेस्ड और वेबसाइट्स हैं जिनको मार्केटिंग इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं उस पर आप रजिस्टर कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट की डिटेल्स देते हैं एंड यू कैन सी लाइव रियली लाइव देख सकते हैं कि कौन किस टाइम पे कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस को विजिट कर रहे हैं कहाँ से उनका पाथ चल रहा है जो उनका क्लिक स्ट्रीम पाथ है और उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है. वी विल हैव अ लुक एट सम ऑफ गूगल प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स हैं एडवर्ड्स हैं लेटर स्टेज इन द कोर्स बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दीज थिंग्स कैन बी डन रियल टाइम और बहुत ज्यादा आपको जो है वो इंटरनल रिकॉर्ड्स ही हैं आपके जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि ज्यादा एक्यूरेट भी है. इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटिकली गैदरिंग कर रही हैं डेटा की. फॉर एग्जांपल फेडेक्स है वो क्या करता है कि कस्टमर्स ने जैसे ही एक कोरियर डिस्पैच करने का ऑर्डर दिया ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव किया फिर पिकअप डेट लोकेशन डेट कहाँ पर डेपो के ऊपर प्रोडक्ट मौजूद है ट्रैकिंग कस्टमर्स कर सकते हैं कंपनी खुद कर सकती है और वो अपनी डेटाबेस को एक्सटेंड कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री से आउटसाइड के आउटसाइड यूजर्स भी डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और वो इन्फॉर्मेशन भी फिर साथ साथ अपडेट हो रही जा रही है. फ्रीक्वेंट शिपर्स के पास जो एक्स्ट्रा नेट बेस्ड इंफॉर्मेशन है फेडेक्स की
about the trends of these orders that are being received for to dispatch products, वो भी शेयर हो सकते हैं. सो जो एक हब है जो फेडेक्स की है वो ओवर 20,000 विजिटर्स अ मंथ को मैनेज करती है, और वर्कप्लेस मार्केटिंग इंटीग्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए फिर उनको आइडिया हो जाता है कि जी हमें कितने लोग किस तरह से किस टाइप पे चाहिए होंगे. इसके अलावा अगली चीज है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज. सेकेंडरी डेटा सोर्सेज जो है वो या सेकेंडरी डेटा जो है दैट कैन बी कलेक्टेड मोर क्विकली एंड लेस एक्सपेंसिवली दैन द प्राइमरी डेटा. जैसे पीछे हमने प्राइमरी डेटा की बात की तो ऑब्वियसली आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है टू अक्वायर द सॉफ्टवेयर जो आपके पास डिटेल्स है वो स्टोर कर रहा है, या वेबसाइट जो है, या डेटाबेसिस मैनेजमेंट सिस्टम. ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड. सेकेंडरी डेटा के अंदर आपके पास जो कॉस्ट है वो दैट इज आई मीन इट इज लेस एक्सपेंसिव, या बहुत आसानी से आपको डेटा मिल जाता है. लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो कुछ हद तक तो मार्केटर्स की हेल्प कर सकता है, लेकिन इट नॉट मीट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मार्केटर्स. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डेटा सोर्सेज को जब आप यूज कर रहे हैं तो जिस सोर्स से आपने उठाया उन्होंने मे बी किसी और पर्पज के लिए वो डेटा कलेक्ट किया था, या किसी और पर्पज के लिए वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. आपका पर्पज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा में ऑल्सो भी अननोन, क्योंकि आप सेकेंडरी डेटा वेबसाइट से उठा रहे हैं, कुछ विकिपीडिया टाइप वेबसाइट से उठा रहे हैं जिसके बारे में एकेडेमिया ये कहता है कि जी यहाँ पे कोई एक सिंगल पब्लिशर नहीं है, या पब्लिशर्स ने उसको प्रूफ रीड नहीं किया हुआ है, देर आर अलॉट मोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दैट डेटा. इस वजह से जो है वो यू कैन नॉट रियली अग्री टू दी legitimacy of that document. तो quality जो है वो secondary data के case पे it may be unknown. इसके अलावा जो आपका data है that could be very old. For example, अगर आप census के बारे में information लेना चाहते हैं, population statistics के बारे में information लेना चाहते हैं किसी region की, किसी country की, या इसके अलावा आप internet users की statistics लेना चाहते हैं किसी एक area की, तो obviously ये data काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के साथ कलेक्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है इस टाइप के डेटा की कलेक्शन. और विद एक्सेस टू डिफरेंट अदर वेबसाइट जहाँ पे ये डेटा मौजूद है वहाँ पे भी हो सकता है उन्होंने जब अपडेट किया हो तो इट कुड हैव बीन वेरी ओल्ड. तो कुछ वेबसाइट्स के ऊपर बहुत फाइन प्रिंट में नीचे छोटा सा लिखा हुआ होता है कि जी दिस डेटा वॉज कलेक्टेड एट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट या ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. उसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप बात को अंदाजा हो सके कि ये डेटा कितना पुराना है. एंड मार्केटर्स को पता होना चाहिए कि किस किस टाइम फ्रेम के डेटा को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, और उस हिसाब से फिर उनका एनालिसिस करना चाहिए. मार्केटर्स इसके अलावा कंटिन्यूली स्कैन कर रहे होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट को फॉर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और इस काम को कहा जाता है कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस का काम है. और मार्केटिंग मैनेजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोगों के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं. एक एनवायरमेंटल स्कैन जो है अबाउट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑफ पीपल, कंपेटिटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो कंपेटिटर्स यूज कर रहे हैं, कौन से ऐसे तरीके टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं कंपेटिटर्स, जो उनको एज मिल रहा है ताकि आप भी उनको काउंटरफीट करने के लिए काम कर सकें. नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन, सोशल कल्चरल ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड एंड लोकल कंपनीज, लीगल एंड पोलिटिकल एनवायरमेंट्स, प्लेथोरा ऑफ डेटा इज अवेलेबल, सेकेंडरी डेटा इज अवेलेबल फॉर दीज इशूज जो कि मार्केटर्स जो टिक डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अ जनरेशन और अ ग्रुप ऑफ और अ सेगमेंट ऑफ मार्केट, तो क्या है वो जाकर पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं, या सेंसस ब्यूरोज की वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं. इसके अलावा वो मुख्तलिफ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन को देख सकते हैं. हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा कलेक्शन सोर्सेज मुख्तलिफ मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ
फॉर्म्स में वी हैव पब्लिकली जनरेटेड डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ आईएमएफ की साइट्स के ऊपर डेटा मौजूद है, वर्ल्ड फैक्ट बुक्स मौजूद है, मार्केटिंग एसोसिएशन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इज अ पॉपुलर वन जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स दिखा रही है, विकिपीडिया द ऑल्सो फेमस विकिपीडिया, उसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन लोग अपने अपने रीजन्स की लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. विकिपीडिया के बारे में एक वक्त पे कहा जा रहा था कि जो है ये इसके ऊपर मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स. और भी तरह के विकीज एग्जिस्ट करते हैं जो कि फॉर्म करते हैं, विकी हाउ है, विकिपीडिया के अलावा जिनके ऊपर आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं जो ऑन जस्ट अबाउट एवरीथिंग कि जी किस तरह से कोई काम करना है, हाउ टू वीडियोस हैं. सो ये सारा जो है वो पब्लिकली जनरेटेड डेटा है जिसको यूटिलाइज किया जाता है. इसके अलावा देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च की फॉर्म में आपको स्टेटिस्टिक्स देती हैं या डेटा मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, जैसे कि फॉरेस्टर रिसर्च है, गार्टनर रिसर्च है, ऑनलाइन कमर्शियल डेटाबेसेस हैं जिसमें कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह भी दी जा सकती हैं या कस्टमर्स के सेगमेंट्स, प्रोफाइलिंग इंडेक्सेस बनाए हुए हैं कई कई जगहों पे कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने जिसमें कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज बीन स्टोर जिसको बाय किया जा सकता है. रेटिंग्स की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं. फिर देर आर सर्टन वेबसाइट्स जो कि ऑनलाइन बिहेवियर को जाहिर करती हैं, वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस को जाहिर करती हैं, उनको भी देखा जा सकता है. सो देर आर अलॉट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा सोर्सेस. हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे थे. जब सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं है तो लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स, अपने लिए एक नई इंफॉर्मेशन सोर्स खुद बनाते हैं. प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो है वो इन्हांस होती है बाय द इंटरनेट. इंटरनेट पे आप क्या तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन यूज ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स, ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन, ऑनलाइन सर्वे रिसर्च, ये सारे तरीके हैं जो कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के यूज किए जा सकते हैं. जो प्राइमरी रिसर्च स्टेप्स हैं, जिस तरह से भी ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है थ्रू ऑनलाइन टच पॉइंट्स विद द कस्टमर्स, थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू द परचेज हिस्ट्रीज, इंस्टेंट मैसेजेस जो लोगों को किए जा रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सेज, दे ऑल एंड अप इन द मार्केटिंग डेटाबेस जो कि हिस्सा बन जाती है कंपनी की मार्केटिंग नॉलेज का. हर प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा कंपनीज को, लेकिन आपके मार्केटर्स को या आपको एज ई मार्केटर्स समझना चाहिए कि हर प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं. और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है इंटरनेट रिसर्च की कि जो भी डेटा हम कलेक्शन कर रहे हैं वो हम उन लोगों से कर रहे हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं, विच इज ओनली अबाउट 12% और 14% इन केस ऑफ पाकिस्तान. और बाकी कंट्रीज में भी मुख्तलिफ रेट्स हैं परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूज के. सो बहुत लिमिटेड आपके पास कई सिचुएशंस के अंदर लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यूज आपके पास मौजूद होते हैं लोगों के. फिर आपको कई जगहों पे ऑफलाइन डेटा कलेक्शन मेथड्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है या कुछ कोलैबोरेशन के तरीके निकालने पड़ते हैं. प्राइमरी डेटा कलेक्शन के 5 स्टेप्स हैं: रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्लान, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइंडिंग्स. अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो ई मार्केटर्स एड्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑनलाइन रिटेल. कस्टमर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को ई मार्केटर्स एड्रेस करते हैं, सेगमेंटेशन को देख सकते हैं, सोशल मीडिया इंटरेक्शन के हवाले से नंबर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स दैट कुड बी एड्रेस्ड. इसके बाद फिर रिसर्च प्लान की बात आ जाती है. रिसर्च प्लान में ई मार्केटर्स रिसर्च अप्रोच को आइडेंटिफाई करते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक्सपेरिमेंट्स, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, सर्वे और नॉन ट्रेडिशनल वेब मॉनिटरिंग, रियल टाइम एंड रियल स्पेस टेक्निक्स, इनमें से क्या चूज करना चाहते हैं वो इस पर डिसाइड करते हैं. देन दे डिजाइन द सैम्पल. इस स्टेज के ऊपर रिसर्चर्स जो हैं वो सैम्पल सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं उन रिस्पॉन्डेंट्स की फॉर्म में कितने रिस्पॉन्डेंट्स उनको चाहिए वो आइडेंटिफाई करते हैं. हाउ विल दे कॉन्टैक्ट दोज पीपल जिनसे वो
रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, वो कांटेक्ट मेथड्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है. रिसर्च प्लान का ये हिस्सा होते हैं कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करेंगे, टेलीफोन्स को, मेल को, या फिर जाकर इन पर पर्सन लोगों से मिलेंगे, और अदरवाइज इंटरनेट के ऊपर या फिर टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस जो दूसरी हैं उनमें ऑनलाइन पोल्स हैं या थ्रू मोबाइल फ़ोन जो हैं वो डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, इवन सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं. सो दैट कुड बी अनदर कॉन्टैक्ट मेथड. तो इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन, इफ अ सर्वे इज प्लान्ड रिसर्चर्स डेवलप अ क्वेश्चनेयर, फॉर अदर मेथड्स रिसर्चर्स डेवलप अ प्रोटोकॉल और गाइड टू फॉर डेटा कलेक्शन. तो वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन का हिस्सा बन जाता है, वो उनको करना पड़ता है. तो नेक्स्ट स्टेज इज डेटा कलेक्शन. अपने प्लान के हिसाब से जो उन्होंने रिसर्च प्लान किया है उस हिसाब से लोग फिर ई मार्केटर्स जो है अपना डेटा कलेक्ट करते हैं. देन द एनालिसिस इज डन, रिजल्ट्स जो है वो निकाले जाते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम के हिसाब से, और इसके अंदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है जो ट्रेडिशनल किया जाता था, या अब डेटा माइनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डेटा माइनिंग का यूज किया जा सकता है, और पैटर्न्स या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जा सकती है डेटा एनालिसिस के पार्ट में. आई एम श्योर डेटा एनालिसिस के ऊपर अपने और कोर्सेज के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में और क्वांटिटेटिव बिजनेस एनालिसिस के कोर्स में डिटेल्स में पढ़ा होगा. सो जो रिसर्च मेथड्स के हिसाब से आपके मुख्तलिफ डेटा एनालिसिस के तरीके जो हैं वो ई मार्केटर्स फॉलो करते हैं. उसके बाद फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइंडिंग्स आ जाते हैं या एडिशन टू द डेटाबेसेस आ जाती है. आपके जो मार्केटिंग जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो आपकी मार्केटिंग नॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं, मार्केटिंग डेटाबेस के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है इन रिटर्न और ओरल फॉर्म टू द मार्केटर्स या डिसीजन मेकर्स हु आर कंसर्न्ड. ये तो थी हमारे प्राइमरी रिसर्च मेथड्स, रिसर्च स्टेप्स जो कि रिसर्च ई मार्केटिंग रिसर्च का हिस्सा है. इसमें वैसे तो ट्रेडिशनली जो सारे स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट बेस्ड रिसर्च अप्रोचेस भी मौजूद हैं, बिकॉज इंटरनेट जो है वो एक फर्टाइल ग्राउंड है फॉर आवर प्राइमरी डेटा कलेक्शन. लेकिन जो है जो इंटरनेट रिसर्च अप्रोचेस हैं उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डिक्लाइनिंग कोऑपरेशन फ्रॉम कंज्यूमर्स टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च अप्रोचेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस. जैसे टेलीफोन पे लोगों को पहले कॉन्टेक्ट किया जाता था, नाउ पीपल डिक्लाइन दोज अप्रोचेस, और उसको जो रिस्पॉन्स रेट है वो कम होना शुरू हो गया है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स और ट्रेडिशनल तरीकों से जो रिसर्च की जा रही थी उसके रिस्पॉन्स रेट्स में, स्पेशली जब टेलीफोन बेस्ड रिसर्च का जिक्र किया जाता है, डेटा कलेक्शन का मेथड का जिक्र किया जाता है, या लोगों से टाइम लेके जाकर उनसे क्वेश्चनेयर्स फिल इन कराए जाते हैं, उसका रिस्पॉन्स रेट हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन. और फिर मार्केटर्स को ज़्यादा अच्छा और अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि वो डेटा कलेक्शन मेथड जो है वो ऑनलाइन को यूज़ करें, विच इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड ईजियर टू कंडक्ट. सो देर हैज़ बीन अ वेरी बिग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स जो कि ऑनलाइन रिसर्च मेथड्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और कंपनीज ने भी बहुत सारे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिसमें वो अट्रैक्ट करते हैं इन कस्टमर्स को जो कि मुख्तलिफ ऑनलाइन रिसर्च मेथड्स के तरीके से डेटा कलेक्शन का हिस्सा बन रहे होते हैं. देर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च. एडवांटेजेस में आपके पास ऑब्वियसली इट्स अ फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव वे फॉर डेटा कलेक्शन. देन लार्ज ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं वो कॉन्टैक्ट किए जा सकते हैं. उसके अलावा आप बहुत छोटे स्मॉलर सेगमेंट्स को भी, नीच सेगमेंट्स को भी, स्पेशलाइज्ड नीशेस को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनका डेटा कलेक्शन पॉसिबल है. रिड्यूस्ड रिसर्चर डेटा एंट्री एरर्स. क्यों? क्योंकि पहले रिस्पॉन्डेंट्स का आप डेटा कलेक्शन करते थे, सर्वे उससे फिल कराते थे, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स उन डेटा को एंट्री करते थे. सो उससे एरर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते थे और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती थी. नाउ योर रिस्पॉन्डेंट्स एंटर डायरेक्टली इनटू योर ऑनलाइन
मैकेनिज्म्स, तो उससे क्या है कि डेटा एंट्री के अंदर जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस. फिर ऑनेस्ट रिस्पॉन्स टू सेंसिटिव क्वेश्चंस. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जब वन ऑन वन इंटरेक्शन किसी से किया जाता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रख रखाव की वजह से बहुत ऑनेस्ट आंसर्स नहीं कई दफ़ा दे पाते हैं. लेकिन जब वही बात उन लोगों से ऑनलाइन पूछी जाए, क्योंकि वहाँ पे वन टू वन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं था, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑनेस्ट रिस्पॉन्स भी कई कंपनीज को मिलने शुरू हो गए, विच वॉज ऑफ मोर बेनिफिट टू दीज कंपनीज. सो एक एडवांटेज ये है कि आपके पास ऑनलाइन रिसर्च के अंदर ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिल सकते हैं. और फिर एक और एडवांटेज ये है कि एनी वन कैन आंसर, या आप इनविटेशन ओनली रिसर्च भी डिज़ाइन कर सकते हैं टारगेट ग्रुप के लिए, या आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रिसर्च भी बना सकते हैं कि जो आपका सिर्फ ग्रुप ऐसा है जो कि वाकई ही लाइक करता है किसी एक आपके टारगेट ग्रुप के अंदर, जिनको आपने खुद अलाउ किया हुआ है पासवर्ड दे के, वो आपके रिसर्च का हिस्सा बने. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई हैव ऑल्सो फिल्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चनेयर्स जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए कि अगर मैंने तीन चार क्वेश्चंस का आंसर किया है, और वो क्वेश्चंस के आंसर के बाद द रिसर्चिंग ऑर्गेनाइजेशन फील्स कि मेरे रिस्पॉन्स उनकी रिसर्च से रिलेट नहीं करते हैं, तो वो वहीं पे मेरा क्वेश्चनेयर का जो आगे का हिस्सा है वो ख़त्म करके मुझे थैंक यू का रिस्पॉन्स दे देते हैं कि जी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च. या फिर फॉर एग्जाम्पल ऐसी रिसर्चेस जो कि कंट्री टू कंट्री स्पेसिफाइड हैं. इफ आई एम सिटिंग हेयर इन पाकिस्तान और किसी और कंट्री का क्वेश्चन जब मैं फिल करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे पास वहाँ पे भी कई दफ़ा अलर्ट आ जाता है कि नो, आई एम नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर रिसर्च. सो ये भी एक एडवांटेज है मार्केटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाद में बजाय इसके कि वो डिग डाउन करें या सर्च करें कि जी कौन से हमारे रिस्पॉन्स ऐसे हैं जो कि इस रिसर्च का हिस्सा बन रहे हैं, कौन से नहीं है, और जो रेट है एरर का वो ख़त्म हो जाए, इट इज़ ईजियर टू कंडक्ट दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी ऑनलाइन. फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटा की टैबुलेशन बहुत आसान है पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से, और बायसेस जो है वो इंटरव्यूअर का जो है वो भी कम हो सकते हैं. सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस इंक्लूड सैंपल सिलेक्शन, जर्नलाइजेबिलिटी का एक इशू हो सकता है, उसके अलावा वैलिडिटी एंड सेल्फ सिलेक्शन बायस लाए कर सकता है, आपकी जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो एट टाइम्स कुड बी अनसर्टन, यू डोंट नो कि जो फिल करने वाला है क्वेश्चनेयर को वो वाकई वो है वही है जिसको आपने टारगेट किया था. कई जगहों पे आपको लोगों को डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्स भी मिल रहे होते हैं बिकॉज लोग जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे टू फिल इन द क्वेश्चनेयर, और उनका टारगेट कोई और इंसेंटिव है जो उस क्वेश्चनेयर को फिल करने के बाद मिलता है. तो व्हाट दे डू इज कि सारे वो रिस्पॉन्स का आंसर एक ही कर देते हैं, या न्यूट्रल कर देंगे, या स्ट्रांगली एग्री कर देंगे, और वो आपके पास जो है वो डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा. फिर देर आर सर्टन टाइम्स वेयर यू रिसीव डुप्लीकेट सबमिशंस, एक से ज्यादा दफा एक ही बंदे ने आंसर कर दिया, बट दैट इज ऑल्सो ईजियर टू सॉर्ट आउट, क्योंकि आप फिर अपने पास सिंपली डुप्लीकेट सिलेक्शन जो है बेस्ड ऑन योर डेटा और उसके एनालिसिस के टाइम पे उनको डिलीट कर सकते हैं. लेकिन एक और चीज़ का जो डिसएडवांटेज भी बनता जा रहा है, यहाँ पे भी डिक्लाइनिंग रिस्पॉन्स रेट्स आना शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं. नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च ऑफ दिस टाइप, तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो इस केस में भी कम हो जाता है. देन देर इज ऑल्सो अ परसेप्शन कि लोगों को जब कंपनीज अप्रोच कर रही हैं टू पार्टिसिपेट इन सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च, दे फील के जी ये जो रिसर्च की जा रही है दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म फॉर स्पैम, तो उस वजह से भी जो है वो एक कंपनी के लिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है. तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करने के लिए. डेटा कलेक्शन के और भी तरीके हैं, या उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. हमने ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया जिसमें हमने अभी
ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया, मार्केटर्स जो है वो अल्टरनेटिव वेब पेजेस, अल्टरनेटिव डिस्प्ले एड्स, प्रमोशनल ऑफर्स, उनको मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट करते हैं, कुछ टारगेट ग्रुप ऐसा बना लेते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट्स का कि बिफोर सेंडिंग आउट अ मास मेल वो थोड़े से लोगों को टारगेट करके देखते हैं उनका रिस्पॉन्स, और फिर उससे बड़े उसके बाद जो है वो अपनी बड़ी कैंपेन को रोल आउट करते हैं या एडवर्ड्स को रोल आउट करते हैं. सो दैट कुड बी अनदर वे कि जिसमें वो ऑनलाइन एक्सपेरिमेंटेशन पहले कंडक्ट कर लेते हैं अपनी प्रमोशन के बारे में बिफोर दे कैन कंडक्ट द फुल फ्लेज प्रमोशन. फोकस ग्रुप्स जो है ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर बड़े पॉपुलर हैं, ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स भी किए जा सकते हैं और दे ऑफन हेल्प मार्केटर्स अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स प्रायर टू डिजाइनिंग सर्वे रिसर्च. सो बिफोर द मार्केटर्स एक्चुअली गो आउट एंड डिजाइन सर्वे वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जी फोकस ग्रुप में लोगों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे और उन व्यू पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हमारा सर्वे डिजाइन जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकेगा. इसके अलावा मैंने एक डायलमा का जिक्र किया, जो रिस्पॉन्डेंट्स की वैलिडिटी है या ऑथेंटिसिटी है, क्या आप जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं वही आपका रिस्पॉन्स दें. सो उसके लिए वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट क्लॉज किस कर सकते हैं, लोगों को ईमेल कर सकते हैं, वो आपके सर्वे के ऊपर आए तो उनको दोबारा कह सकते हैं कि जी रिफर बैक टू द ईमेल दैट वाज सेंट टू यू, और उसमें जो लिंक है उसको क्लिक करके आप इस सर्वे तक आए ताकि जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंश्योर हो सके. और तरीकों में ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन है, आपके जो मार्केटर्स हैं रेलिवेंट सिचुएशंस के अंदर जो कस्टमर्स आपके एक्ट कर रहे हैं, जैसे ऑफलाइन सिचुएशंस में किया जाता है कि जी मार्केटर्स जो है वो यूजर्स के ट्रेंड्स को देखते हैं या रिटेल सेक्टर्स के अंदर वो वीडियोस बना रहे होते हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उनके ट्रेल्स फॉलो कर रहे हैं कि वो स्टोर के अंदर कहाँ कहाँ जाके क्या चीज़ें विजिट कर रहे हैं. सो इसी तरह से रिसर्चर्स सिंस दे बिलीव दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वो कस्टमर्स के बिहेवियर जब वो ऑनलाइन ट्रेल्स छोड़कर जाते हैं कस्टमर्स या वो मुख्तलिफ पाथ्स को फॉलो करते हैं या वेबसाइट्स के ऊपर जो उनका इंटरेक्शन है या मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर फोरम्स के अंदर ब्लॉग्स की फॉर्म में जिस तरह का भी इंटरेक्शन लोग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से रेफरल्स ले रहे हैं, सो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी सारी ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन जाती हैं और मार्केटर्स वहाँ से वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूज कर सकते हैं. इसके अलावा वेब सर्विस का तो हमने अभी जिक्र डिटेल में कर ही लिया है. वेब सर्विस के अंदर ऑफन मार्केटर्स क्रिएट अ सर्वे और फिर वो रिस्पॉन्डेंट्स के लिए टारगेट रिस्पॉन्डेंट्स को वो ईमेल करते हैं. ऑफन जो है वो रिस्पांस उन लोगों से ज्यादा अच्छा मिलता है जो कि आपकी मेलिंग लिस्ट के अंदर या आपके करंट कस्टमर्स के तौर पे रजिस्टर्ड हैं और उनका इंटरेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेंडिंग इट आउट द सर्वे आउट टू रैंडम पॉपुलेशन या रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल. सो देन अगेन कंपनीज फील करती हैं कि जी हम जो है वो सिर्फ जो है उन लोगों को ही भेजें अपने सर्विस जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेते हुए इसमें आपको रिस्पांस देंगे. इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर लोग एडवर्टाइज करते हैं सर्विस को और वहाँ पे लोगों को इंसेंटिव देते हैं टू पार्टिसिपेट इन द सर्विस और कंपटीशन रन करते हैं. दैट कैन आल्सो बी अ वे टू टेक ट्रैफिक टुवर्ड्स योर वेबसाइट एंड टुवर्ड्स योर सर्वे. इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हैं जो हमने अभी जिक्र कर भी लिया. अनदर वे टू टेक कस्टमर्स इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन की आर टू इंगेज द कस्टमर्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज जिससे आप अपने ब्रांड का इमेज इन्हांस कर सकते हैं, लोगों का व्यू पॉइंट ले सकते हैं अपने इमेज को इस्टेब्लिश करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली निविया वेरी फेमस ब्रांड, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर काफी कॉम्पिटिशन अरेंज कराए, फेसबुक पेजेस के ऊपर भी कुछ कॉम्पिटिशन रन हुए, उन्होंने कुछ स्मॉल गेम्स ऐसी बना ली जिसको विन करना होता था और विन करके जो भी हाईएस्ट स्कोर कर रहा था कस्टमर उसको फ्री हैम्पर्स और टैबलेट्स और इस किस्म की चीजें प्रोडक्ट्स जो है ना उन्होंने कस्टमर्स को भेजी. देयर वाज अनदर गेम दैट दे हैड डिजाइंड जिसमें उनका एक प्रोडक्ट है चैपस्टिक या लिप बाम के हवाले से, उसकी जो पैकेजिंग है वो कस्टमर्स जो है वो खुद डिजाइन कर रहे थे. सो उन्होंने एक एपलेट की फॉर्म के अंदर सारे फीचर्स डाल दिए थे कि जी आप
کی کیپ پر جو مختلف کلر سکیمز ہیں اور مختلف ڈیزائنز ہیں وہ یہ موجود ہیں، اس میں سے سلیکٹ کر کے اپنا ایک ڈیزائن خود بنا کے دیجیے، اور پھر لوگ اس پہ مختلف کسٹمرز کے اپنے ہی بنائے ہوئے ڈیزائنز کے اوپر باقی لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کر رہے تھے، اینڈ دا ون ہو ووٹڈ دا موسٹ بیکیم دا ایکچوئل پیکیجنگ ڈیزائن آف دیٹ پروڈکٹ، اور انہوں نے اس کو پھر بنا کے مارکیٹ میں لے کر گئے. سو دیٹ کوڈ بی اندر گڈ وے کہ کسٹمرز کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور کسٹمرز جس طرح کا پروڈکٹ چاہ رہے ہیں مارکیٹرز نے اس طرح کا بنایا ہے بائی انگیجنگ دیم ان این ایکٹیویٹی. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی رزلٹ ہے ای مارکیٹنگ کی ریسرچ کا جو کہ کمپنیز کر رہی ہیں. لیٹس ناؤ ہیو اے لک ایٹ سم ایتھکس آف آن لائن ریسرچ. جو کمپنیز ریسرچ کنڈکٹ کر رہی ہیں ویب کے اوپر ان کو جو ہے تھوڑا سا ایتھیکل کنسرنس کا خیال کرنا چاہیے. رسپونڈنٹس جو ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں ود رسپیکٹ ٹو انسولیسیٹڈ ای میل ریکویسٹ فار سروے پارٹیسپیشن. جو بار بار ان کو ای میلز میں بہت زیادہ کمپنیز کی طرف سے ای میلز ریسیو ہو رہی ہیں جو کہ ان کی پرمیشن کے بغیر ہیں، وہ رسپونڈنٹس جو ہیں وہ اس سے ناخوش ہو رہے ہیں. اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جب آپ ای میل ایڈریسز آپ کے اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اٹ از دا سیم ایز یور فون نمبرز بینگ اویلیبل ان ٹیلی فون ڈائریکٹری، اور ٹیلی فون ڈائریکٹری جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے مختلف فارمز میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی یا بک کی فارم کے اندر بھی. سو ٹیلی فون کا اگر نمبر لینڈ لائن کے نمبر لوگوں کے موجود ہیں ٹیلی فون ڈائریکٹری میں، تو ای میل ایڈریسز بھی اسی طرح سے موجود ہیں پبلکلی، اور کمپنیز ان کو جو ہے یوز کر کے ای میلز ضرور بھیج سکتی ہیں. اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے اس ایشو کے اوپر، لیکن ایز مارکیٹرز ایز ریسرچرز وی شوڈ بی کیئرفل کہ ہم کسٹمرز کو ایسی آپشنز بھی دیں کہ اگر وہ ای میل ریسیو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہم بار بار تنگ نہ کریں، وہ سب انسبسکرائب کر سکیں ہماری ای میل لسٹ میں سے، یا ان کی پرمیشن جو ہے وہ سولیسٹ کی جا سکے. سروس کو یوز کیا جاتا ہے کمپنیز کی ڈیٹا بیسز بلڈ کرنے کے لیے. اگین دس شوڈ بی کائنڈ آف نون ٹو کسٹمرز کہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اسٹور کی جا رہی ہے یا تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. اور پرائیویسی آف یوزر ڈیٹا جس کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا، دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. ہمیں آن لائن ریسرچ کے ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں. کمپنیز must now monitor numerous web pages, blogs and photo sites in order to learn what is being said about their brands or executives. Ab ye ek bahut bada challenge banta chala ja raha hai organizations ke liye, because it is very difficult for companies ke wo har waqt nazar rakhe کون کون سے فورم کے اوپر کون کون سے گروپ کے اوپر کسٹمرز کیا کیا بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نیگیٹو بات ہو رہی ہے تو اس کا فوراً سے ہمیں رسپانس دینا ہے، اور وہ رسپانس کیسے دینا ہے وہ سارا کا سارا جو کام ہے وہ مانیٹرنگ آف سوشل میڈیا کے اندر آ جاتا ہے. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ آٹومیٹڈ ٹریکنگ سسٹم کو یوز کر رہی ہیں جو کہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے بارے میں یا آپ کی کمپنی کے جو ورڈز ہیں وہ جہاں جہاں یوز کیے جا رہے ہیں تو وہ الرٹ شو کرتے رہتے ہیں. اگین جو اسپریڈ ہے سٹیزن جرنلسٹ کا، وچ مینس دیٹ اینی ون کین رپورٹ اینی تھنگ آن دی انٹرنیٹ، اور وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر اپنی آبزرویشنس کو یا اپنے پوائنٹ آف ویوز کو. سو اس کی وجہ سے کمپنیز کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کو کیسے مینیج کر سکیں، یا وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سو کنٹینیوس مانیٹرنگ آف سوشل میڈیا از آلسو نیسسری. کمپنیز کے اندر اب ایسی پوزیشنز نکالی جانی شروع ہو گئی ہیں جس میں لوگ ہائر کیے جاتے ہیں ایز سوشل میڈیا
मैनेजर या डिजिटल मीडिया मैनेजर्स हाईली पेड पोजीशंस हैं, और इन पोजीशंस का काम ही इस किस्म की चीजों को एनालाइज करना है और कंपनी के लिए बेनिफिट लेकर आना है। इसी तरह से रेपुटेशन मैनेजमेंट की पोजीशंस भी हैं, और रेपुटेशन मैनेजमेंट की अब कई कंपनीज भी बन गई हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस जो है अप्रोच करती हैं कि वो अब उनकी रेपुटेशन जो है वो ऑनलाइन उसको कैसे मैनेज कर सके और कैसे सेव कर सके। एक भी नेगेटिव वर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निकल के आता है तो उसका पूरा का पूरा ब्रांड इमेज फौरन कुछ ही दिनों बल्कि कुछ ही घंटों में भी बिल्कुल नीचे आ सकता है। सो इस काम के लिए आपके पास आपके ई मार्केटर्स जो है उनका होना बहुत जरूरी है, और वो हर वक्त एनालाइज करते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर आपकी कंपनी के बारे में क्या बातचीत हो रही है। दे कैन ऑल्सो सेट अप ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जैसे कि ईमेल के अंदर या आरएसएस फीड्स। आरएसएस फीड्स का वर्ड आपने अक्सर पढ़ा होगा, देखा होगा, वेबसाइट्स के अंदर नीचे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसपे आरएसएस लिखा हुआ होता है, और एक डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेस्कटॉप पे भी मौजूद हो सकता है आरएसएस फीड के नाम से, विच स्टैंड्स फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन। और स्पेशल सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है वो भी आपको मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकता है। इसी तरह से एक और सर्विस है जो गूगल ऑफर करता है ईमेल अलर्ट्स के फॉर्म में सिलेक्टेड कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो आपको एक हफ्ते बाद या हर अगर ड्यूरेशन आप जिस तरह की भी सेट करते हैं, आपको एक ईमेल के ऊपर डिटेल्स आ जाती हैं कि जी आपके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या बात हुई है, आपने जो भी कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं उस हवाले से। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, जो हम जूडी स्ट्रॉस एक ऑथर हैं, उनको हम अगर गूगल अलर्ट के साथ उनका कीवर्ड को यूज किया गया है तो जब उनकी सर्चेस होती हैं एवरी वीक, यह इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर आ जाती है। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अप्रोचेस हैं, जैसे कि क्लाइंट साइड डेटा कलेक्शन। इसमें हमने कुकीज़ का जिक्र पहले भी किया हुआ है। कुकीज़ की ऐसी फाइल्स हैं जो आपके डेस्कटॉप पे स्टोर कर दी जाती हैं, और उसके अंदर कंपनीज जो हैं कुछ डेटा कलेक्शन के तरीके या यूज़र का ऑनलाइन जो यूसेज बिहेवियर है वो स्टोर कर रही होती हैं, वो फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंपनीज के सिस्टम्स के ऊपर। इसके अलावा पीसी मीटर जो है एक और फैसिलिटी है जो कि यूजर्स के एक पैनल का जो है वो क्लिक स्ट्रीम डेटा जो है वो के स्टोर कर रहे होते हैं और साथ साथ भेज रहे होते हैं। अभी इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है, या ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें रेपुटेशन मैनेजमेंट की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली बिग ऑर्गेनाइजेशन दीज डे जिनके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स की रेपुटेशन को मेनटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सर्वर साइड डेटा कलेक्शन के भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि साइट लॉग सॉफ्टवेयर कैन जनरेट रिपोर्ट्स ऑन नंबर ऑफ यूजर्स हु व्यू ईच पेज, लोकेशन ऑफ प्रायर साइट विजिटेड। साइट लॉग्स के लिए भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, मुख्तलिफ कंपनीज मौजूद हैं जो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। गूगल का भी एक सॉफ्टवेयर है गूगल एनालिटिक्स के नाम से, या फिर गूगल वेब्स के सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प कर रहे हैं साइट मेंटेनेंस और साइट सर्वर साइड डेटा कलेक्शन मेथड्स के ऊपर। इसके अलावा जहाँ पे आपकी डोमेन नेम रजिस्टर होती है, डोमेन रजिस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपको साथ साथ आपके फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं डोमेन होस्टिंग की, और फिर जो जहाँ पे डोमेन होस्टिंग है वहाँ पे भी आपको ऐसे दिखाए जाते हैं डैशबोर्ड्स की फॉर्म के अंदर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, जो कि सर्वर साइड डेटा कलेक्शन का तरीका है। इसके अलावा कंपनीज करती हैं रियल टाइम प्रोफाइलिंग। रियल टाइम प्रोफाइलिंग जैसे अमेजोन की एग्जांपल्स में भी मैंने दिया है, जो कस्टमर्स की मूवमेंट्स हैं थ्रू द वेबसाइट, उन मूवमेंट्स को देखते देखते साथ ही साथ डिसीजंस ले लेता है जो आपका सॉफ्टवेयर है कि जी कस्टमर्स का प्रोफाइल क्या है और किस टाइप के कस्टमर्स को क्या चीज व्यू करानी है वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स में से या प्रोडक्ट्स के डेटा में से। सो आपके पास रियल टाइम प्रोफाइलिंग भी जो है वो एक और तरीकाकार है कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करने का। लेकिन जो रियल टाइम प्रोफाइलिंग है दैट कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली। इसके लिए फिर आपके पास जो है
सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और एस्टिमेट्स हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर खासतौर पर जो बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं रियल टाइम प्रोफाइलिंग का, दैट कैन कॉस्ट फ्रॉम $150,000 मैक्सिमम, और इन बिटवीन $10,000 टू $150,000. सो फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना जो है वो फ्रॉम द पास्ट बिहेवियर कंपनीज के लिए जरूरी है. ये इस किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज को हेल्प कर सकता है. इट कैन ब्रिंग इन कॉस्ट, लेकिन ये कॉस्ट ऐसी होती है जो कि कंपनीज के लिए आराम से पे ऑफ कर सकती है हैंडसमली, जैसे कि अमेजोन के केस में भी कर रही है. अभी मैं बात कर रही थी क्लिकस्ट्रीम की. क्लिकस्ट्रीम के एक एग्जांपल जो मैं जिक्र कर रही थी कि कौन सा पेज कहाँ से विजिट हुआ, ये वो यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि कैसे एक वेबसाइट के ऊपर देवर 500 विजिटर्स, और फिर 500 विजिटर्स में से आगे उनका रिस्पांस कैसा हुआ, कितने लोगों ने डिजिटल टीवी के एक बैनर के ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने एक और किसी बैनर के ऊपर क्लिक किया, और उसमें से 300 लोगों ने नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया कि जी वी डू नॉट वांट टू रिसीव एनी एडवर्टाइजमेंट्स. सो यू कैन सी के रिस्पांस रेट्स का भी इन एग्जांपल्स लाइक दिस देयर इज अ डिक्रीज एंड दैट इज बिकमिंग अ चैलेंज. लेकिन क्लिकस्ट्रीम डेटा लाइक दिस इज अवेलेबल टू ई मार्केटर्स वेरी इजिली. एवरीथिंग ऑनलाइन इज बींग रिकॉर्डेड और वहां से इंसाइट्स ली जा रही हैं, और ये उसी की एक एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है. इसके अलावा रियल स्पेस अप्रोचेस जो है वो भी एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन का तरीका बन जाती है. ऑफलाइन पॉइंट्स ऑफ परचेज के ऊपर डेटा कलेक्शन की जाती है, जैसे कि ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स के ऊपर किया जाता है कि आपके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स मौजूद होती हैं. पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो हैं वो बारकोड स्कैन करती हैं प्रोडक्ट्स का, वो रिकॉर्ड किया जा रहा होता है उनके पास कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, और वहां से फिर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों के परचेज बिहेवियर के बारे में. बेस्ट प्रोडक्ट्स जो लोग आपकी कंपनी के खरीद रहे होते हैं, या पॉपुलर प्रोडक्ट या सीजन्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स जो पॉपुलर जा रहे होते हैं, और फिर इस डेटा को कंबाइन कर दिया जाता है आपका वेब पे जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके साथ, और उससे फिर रिटेल फर्म्स को एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जो कि फिर आगे फर्दर उनकी डिसीजन मेकिंग में यूज की जा सकती है. दिस इज एन एग्जाम्पल. आपके पास रियल स्पेस डेटा कलेक्शन और स्टोरेज की एक एग्जाम्पल है. कस्टमर्स आर देयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड दे कॉन्टैक्ट द कंपनीज. कंपनीज के एंड के ऊपर देर इज अ कस्टमर डेटा बेस, देर इज अ कस्टमर डेटा वेयर हाउस. डेटा बेस की इन्फॉर्मेशन वेयर हाउसेज में स्टोर कर दी जाती है. देन देर इज अ ट्रांजेक्शन डेटा बेस, जिसके अंदर लोगों की परचेज हिस्ट्री और सेल्स हिस्ट्री का रिकॉर्ड है. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये बीच में एक आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन नजर आ रही होगी. पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो है वो उनकी कंसर्न डेटा बेसिस के अंदर स्टोर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्ट डेटा बेस. सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा कलेक्शन और स्टोरेज जो आपको हेल्प कर रही होती है कस्टमर्स का बिहेवियर एनालाइज करने में, और ये फिर आपके डेटा वेयर हाउसेस में जा रहे हैं जो आपके मार्केटिंग नॉलेज का हिस्सा है. प्रोडक्ट डेटाबेसेस होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइसेस, इन्वेंट्री लेवल्स. कस्टमर डेटाबेसेस होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स. वी ऑल नो दैट देर आर सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे कि वॉलमार्ट, अ वेरी फेमस रिटेल स्टोर इन द यूएस. उसकी बहुत सारी ब्रांचेस और आउटलेट आउटसाइड द यूएस भी अब मौजूद होना है. लेकिन ये कि वॉलमार्ट क्या करता है कि जो उनकी प्रोडक्ट डेटाबेस है उसके अंदर इन्वेंट्री स्टॉक्स अवेलेबल है, दैट इज कनेक्टेड विद the suppliers. For example, Procter and Gamble. Procter and Gamble supplier है Walmart का. Procter and Gamble के products shelf पे मौजूद हैं Walmart के. जैसे ही shelves के ऊपर और उनके inventory stock के अंदर amount थोड़ा सा decrease होता है, जो एक stock level minimum maintain करना है उससे, तो database से automatically एक alert generate हो जाता है to Procter and Gamble's servers. फायदा क्या है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल को फॉरन से पता चल गया कि जी आज उन्होंने किस आउटलेट किस स्टोर के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स जो कि कम हो गए हैं, शैम्पूज फॉर एग्जांपल, या अदर प्रोडक्ट्स, या कुछ जूसेस, कुछ भी जो भी कम हो गया है उन्होंने पहुंचाने हैं. एंड इट इज सेविंग अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के वहां पे वॉलमार्ट के वेयर हाउसेज में किसी को
जाकर हर रोज फिजिकली नहीं चेक करना पड़ रहा कि कितने स्टॉक यूनिट्स कम हुए हैं, और टॉप ऑफ दैट इन दोनों डेटाबेसेस के अंदर यह इंफॉर्मेशन स्टोर होती चली जा रही है, और फिर फ्यूचर डिमांड्स कैलकुलेट करने के लिए और फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर के लिए मार्केटर्स अंदाजा लगा सकते हैं कि जी कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रॉक्टर एंड गैमल के जो हमारे स्टोर पे थे वो जल्दी जल्दी प्रॉक्टर एंड गैमल हमें भेज रहा था, या उसके अलर्ट्स जल्दी जल्दी जनरेट हो रहे थे. क्यों? क्योंकि कस्टमर्स उनको ज्यादा परचेस करके जा रहे थे. सो ये मार्केटिंग डेटाबेसेस और डेटा वेयर हाउसेज हमें इस तरह से फायदेमंद हो सकती है. डेटा वेयर हाउसेज आर रिपोजिटरीज फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकल डेटा, नॉट जस्ट फॉर द मार्केटिंग डेटा. और मार्केटिंग डेटा जो है वो उन डेटा वेयर हाउसेज में से निकाला जा सकता है. नॉलेज मार्केटिंग की उन डेटा वेयर हाउसेज में निकाल सकती है. दे गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डेटा वेयर हाउसेज में हर तरह का डेटा मौजूद है और उसमें से जो रेलिवेंट आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं. सॉफ्टवेयर वेंडर्स आर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द वेबसाइट मेंटेनेंस प्रॉब्लम विद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स. कंटेंट मैनेजमेंट क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे हैं कि आपको वेबसाइट जब भी अपडेट करनी है तो इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट का मेन लेआउट, मेन चीजें सारी मेंटेन रखता है. वहां पे आपको सिर्फ कंटेंट जो है वो लॉगिन और पासवर्ड की बेस के ऊपर आप लॉगिन करके सिर्फ अपना कंटेंट किसी भी प्लेस होल्डर के अंदर वेबसाइट के चेंज कर सकते हैं. सो मोस्टली जो हमारे पास शॉपिंग कार्ट्स बेस्ड वेबसाइट्स मौजूद हैं या आप इवन न्यूज की वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनको अगर हॉर से देखें तो दे हैव द सेम टेम्पलेट थ्रू आउट द वेबसाइट, और बीच बीच में उनके स्टोरीज में या बीच बीच के सेक्शंस में जो है वो टेक्स्ट चेंज हो रहा होता है या प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज ईजियर टू मेंटेन, और हमारे पास इसका भी नॉलेज होना जरूरी है. ये तो थे हमारी प्राइमरी डेटा कलेक्शन और हाउ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बेस्ड वेज हैव इम्प्रूव्ड द वे वी कलेक्ट डेटा. डेटा एनालिसिस और डिस्ट्रीब्यूशन के भी फिर नए तरीके आ गए हैं, जिसमें जो फोर मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं जो मार्केटिंग डिसीजन के लिए हैं, उसमें डेटा माइनिंग इज द फर्स्ट वन. डेटा माइनिंग क्या है कि आपके पास ट्रेडिशनल जो आप रिसर्च कर रहे होते थे उसमें हाइपोथेसिस बनाते थे, क्वेश्चन ऐसे बनाते थे, फिर उनकी टेस्टिंग और उसके हिसाब से रिजल्ट थे. डेटा माइनिंग जब कर रहे होते हैं मार्केटर्स तो दे डू नॉट नीड टू अप्रोच द डेटाबेस विद एनी हाइपोथेसिस. वो क्वेश्चन से एड्रेस कर सकते हैं जिसमें उनको पैटर्न्स या इनसाइट्स मिल सके उन डेटाबेसेस में से. फॉर एग्जांपल जो आपकी कंपनी के कोई से ऐसे दो प्रोडक्ट्स जो बहुत अच्छे इकट्ठे सेल होते हैं कि कस्टमर बायज अ प्रोडक्ट ए, ही मस्ट आल्सो बाय और ही ऑलवेज बायज प्रोडक्ट बी. सो ये काम कैसे किया जा सकता है? ये यूजिंग ऑफ डेटा माइनिंग की जा सकती है. ये एनालिसिस का एक बहुत अच्छा तरीका है. कस्टमर प्रोफाइलिंग का हमने पहले ही अभी जिक्र किया कि रियल टाइम कस्टमर प्रोफाइलिंग आसान हो रही है या की जा सकती है. क्लिक स्ट्रीम डेटा को देखते देखते साथ साथ कस्टमर्स के प्रोफाइल्स को जो है वो अपडेट किया जा सकता है, और उस हिसाब से फिर एवरी कस्टमर हु विजिट्स अ वेबसाइट माइट नॉट सी द सेम व्यू ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उनके पास बिहेवियर के हिसाब से वेबसाइट के अंदर जो मेन पेजेस हैं उसके ऊपर कंटेंट को थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कर दिया जाता है टू हैव मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर. इसके अलावा एनालिसिस में एक और तरीका एक और है जिसको हम कहते हैं RFM एनालिसिस, अ वेरी पॉपुलर एनालिसिस दीज डेज. इट स्टैंड्स फॉर रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी वैल्यू. रिसेंसी का मतलब यह है कि कब कस्टमर ने लास्ट परचेज की, हाउ रिसेंट वॉज द लास्ट परचेज. फ्रीक्वेंसी, कितनी रेगुलरली कस्टमर्स आपसे, कोई कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है, और कितने अमाउंट की मॉनिटरी वैल्यू उसकी, कितनी अमाउंट की परचेजेस हो रही हैं. इन सबको एनालाइज करते हुए कंपनीज कुछ RFM कोड्स बना लेती हैं विच आर थ्री डिजिट कोड्स, 123 या 231, विच मीन्स के कस्टमर इज, इफ इट इज 123 तो विच मीन्स के कस्टमर्स का रिसेंसी कोड 1 है, फ्रीक्वेंसी कोड 2 है, मॉनिटरी वैल्यू कोड 3 है. कस्टमर ज्यादा रिसेंट परचेज करके गया, फ्रीक्वेंसी उसकी दरमियानी थी, मॉनिटरी वैल्यू एवरेज थी. इस किस्म की कोडिंग की जा सकती है और RFM analysis किया जा सकता है. We will go through the details of RFM analysis in our future lectures. इसके अलावा report generating का काम किया जाता है. Report generating क्या है कि जो मुख्तलिफ आपके एनालिसिस के तरीके हैं जो उन्होंने माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट इन सब से किए हैं, वहां से आपके जनरल रिसर्च को देखते हुए रिपोर्ट जनरेट की जाती है जो प्रेजेंट की जाती है मार्केटर्स को भी और आपके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर भी. There are
टू बेसिक मीट्रिक्स जो यूज़ किए जाते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि वाइड स्प्रेड यूजेज है इनका ऑनलाइन डेटा स्टोरेज में. एक तो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, टोटल कॉस्ट सेविंग्स डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. आपकी कोई भी जो इन्वेस्टमेंट की गई है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एक कैलकुलेशन ये की जाती है. अ मेट्रिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. देन यू हैव टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेबर एंड कॉस्ट सेविंग्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी. सो ये दो मेट्रिक्स जो है वो हमारे बहुत पॉपुलर यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर्स जो यूज करते हैं अपनी नॉलेज मैनेजमेंट मेट्रिक्स के हवाले से. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. समरी हम देख लेते हैं छोटी सी जल्दी से. ई मार्केटर्स जो है उनको डेटा की जरूरत है क्योंकि वो डिसीजंस लेना चाह रहे होते हैं अबाउट ई मार्केटिंग, और उसके लिए उनको रिसर्च की भी जरूरत है. उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए दे शुड हैव गुड क्वालिटी डेटा, दैट डेटा ड्राइव्स योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. हमने आज नॉलेज मैनेजमेंट का जिक्र किया और हमने आज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स का जिक्र किया. हमने कुछ रिसर्च टेक्निक्स का जिक्र किया ई मार्केटिंग के हवाले से. हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए भी, मार्केटिंग रिसर्च के लिए भी तरीके देखे, और उसमें हमने देखा फिर कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके जो हैं वो ऐड हो जाते हैं एज रिसर्च टेक्निक्स. फिर हमने कुछ रिसोर्सेज का जिक्र किया कि मार्केटिंग नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, कौन सी डेटाबेसिस कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन डेटा को या बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं. और फिर हमने कुछ और रियल टाइम और रियल स्पेस प्रोफाइलिंग वगैरह का जिक्र किया एज अदर वेज टू कलेक्ट डेटा. दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टूडे. Oh, by the way, I forgot. There is one more thing for you today. आपने आज करना क्या है कि आपने किसी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड को देखना है और उस एग्जिस्टिंग ब्रांड में आपने जो मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स यूज किए जा सकते हैं टू टेस्ट द ब्रांड इमेज, वो कौन से होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना और वो क्यों यूज किए जा सकते हैं. उसके साथ साथ आपने एक और काम करना है, आपने अपने ही कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल सर्च करनी है फाइंड फाइल फंक्शन के अंदर, और वहां पे कुकीज का वर्ड या कुकी का वर्ड लिखना है, और आपने देखना है कि कौन सी सर्च रिजल्ट्स के अंदर कौन सी वेबसाइट्स आपको नजर आती हैं, और कौन सी उनमें से आपने रिसेंटली विजिट की है, और कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो आपने विजिट नहीं भी की और फिर भी उनकी कोई कुकी फाइल बन गई है. सो हैव अ लुक एट दैट. और अगर आपने एक और काम करना है कि अगर आपने एक बैनर एड किसी भी वेबसाइट पे लगाया है या लगा हुआ देखते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर बैनर एड, सो उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए आप कौन सी रिसर्च टेक्निक को यूज करेंगे और कैसे उसको डिजाइन करेंगे. हैव अ गुड टाइम, बी स्मार्ट, बी क्रिएटिव एंड स्टे अवेक. अल्लाह हाफिज़.